हेलो बच्चों, आपने पिछले वीडियो में फंक्शंस और उसके टाइप्स को पढ़ा है और इस वीडियो में मैं सारे उस पर बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, B is equal to 4, 5, 6, 7 भी ले लेते हैं, एंड F में हम क्या ले रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर 1, 4, 2, 5, 3, 6। Is a function from A to B. Show that F is 1, 1. ठीक है, सबसे पहले हम इसका मैपिंग ड्रॉ करते हैं। एक सेट ए ले लिए, ठीक है। ए में क्या क्या है, 1, 2, 3। दूसरा सेट बी ले लिए, बी में क्या है, 4, 5, 6, 7। अब हम यहाँ एफ ले लिए, 1, 4 से रिलेटेड है, 2 का इमेज 5 है, ठीक है, यहाँ से ले रहे हैं, 3 का इमेज क्या है, 6 है, ठीक है। अब ये मैपिंग हमारे ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से बन गया। अब हमको यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हियर द डिफरेंट एलिमेंट्स of A have different F images in B. Thus, F is 1, 1. ठीक है, 1, 1, आई होप आपको याद होगा, रिकॉल कर सकते हैं। 1, 1 में क्या होता था, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेजेस होते थे, और ये मैपिंग से बिल्कुल ही क्लियर है कि 1 का 4 इमेज बन रहा है, 2 का 5, 3 का 6, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए आर हैविंग डिफरेंट एफ इमेजेस, देयरफॉर दिस फंक्शन इज 1, 1। ओके, आप इसको नोट कर लें, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पे आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है। लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू x square. Show that fx is neither 1, 1 nor on 2. ठीक है, ये ना 1, 1 है और ना on 2 है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है आपके बिहार बोर्ड या CBSE में के क्वेश्चंस में। अब इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है। लेट, इसमें हमको कोई दो नंबर से चलते हैं,
यहाँ पर x ऑलरेडी क्वेश्चन में है तो हम उसको चेंज करके कोई दो a और b ले लेते हैं। इसमें यहाँ पे डोमेन क्या है, रियल नंबर्स, तो यानी क्या हो गया, ए बी हमको R में लेना होगा, रियल नंबर में। R क्या है, डोमेन ऑफ F, ठीक है। अब हमको 1 1 के लिए क्या दिखाना है, अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है तो हमको दिखाना होगा कि A इज इक्वल टू B। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी एफ ए के जगह रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और एफ बी रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। यानी क्या हो गया, अगर हम बी को निकालें तो बी इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट फॉर बोथ x is equal to a and x is equal to minus a, we get same image b, ठीक है। यानी क्या हुआ, जो b है, जो इमेज है, वो दो a का भी है और माइनस a का भी है। यानी क्या हुआ कि ये वन वन नहीं होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल से भी और क्लियर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम x को ले लेते हैं 2, तो f2 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर क्वेश्चन के हिसाब से, यानी 4। और अगर x इज इक्वल टू माइनस 2 लें तो f ऑफ माइनस 2 क्या हो जाता है, माइनस टू का स्क्वायर। यानी क्या हो गया, इस केस में भी फोर आ गया। यानी क्या हुआ, या दो हम डिफरेंट एलिमेंट्स लिए एक्स में और उसका इमेज क्या हो रहा है, एक्स का अगर हम टू ले रहे हैं तो उसका भी इमेज फोर बन रहा है, और एक्स अगर माइनस टू ले रहे हैं तो उसका भी इमेज फोर बन रहा है। दैट मीन्स क्या, हियर है या हेंस F is not 1, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय fx is equal to mod x is neither 1 1 nor on 2, ठीक है ना, ये 1 1 है और ना on 2। तो मॉडुलस फंक्शन का हमको ग्राफ पता है, तो हम सबसे पहले ये ग्राफिकली ही दिखा देते हैं। The graph of modulus function is ठीक है, ये हो गया y इज इक्वल टू x और ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस x। ये हमारा हो गया मॉडुलस फंक्शन।
का ग्राफ। अब हम क्या देख रहे हैं, टू डिटरमिन वेदर एफ इज 1 1, वी यूज, क्या यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। याद आ रहा होगा आपको लास्ट वीडियो में इसका डिटेल से, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या था, इफ वी ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इट कट्स द ग्राफ इन टू पॉइंट्स, ठीक है। ये क्लियर है अभी आपको, अगर हम ड्रॉ करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल तो ये दो पॉइंट पे कट करता है। हेंस इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज नॉट 1 1, ठीक है। यही हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट था। अब हमको ऑन टू की बात करनी है, तो यहाँ रेंज को देखेंगे। ऑन टू के लिए क्या होना है, जो हमारा कोडोमेन है और हमारा जो रेंज है वो हमको इक्वल आना है। पर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, रेंज, रेंज ऑफ एफ, एफ का रेंज कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ब्रैकेट्स का आपको ध्यान आ रहा होगा, ये ओपन है और ये क्लोज्ड इंटरवल है। तो रेंज हमारा क्या है, 0 to infinity। लेकिन कोडोमेन क्या था हमारा, ये कोडोमेन तो रियल नंबर्स था, सारे रियल नंबर्स, तो ये इक्वल नहीं है कोडोमेन के, को नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ विच इज गिवन टू बी आर। कोडोमेन क्या है, विच इज गिवन टू बी आर, आर दिया हुआ है। हेंस एफ इज नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है, यानी क्या हुआ, ये न 1 1 है और न ऑन टू है। देयरफॉर एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 -1, 1 if x greater than 0, 0 if x is equal to 0, minus 1 if x less than 0, is neither 1 1 nor on 2। ये जो सिग्नम फंक्शन है, ना 1 1 है और ना ऑन टू है, इसके लिए भी हम यही सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन है कि एफ एक्स जो है 1 होगा अगर एक्स ग्रेटर देन 0,
और 0 होगा अगर x इक्वल टू 0 और माइनस 1 होगा अगर x लेस देन 0। तो आइए इसका ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं। x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पे 1 है तो यहाँ हो गया fx इज इक्वल टू 1, y यानी y हमारा 1 है और यहाँ पे हम माइनस 1 ले रहे हैं तो ये हो गया हमारा, यहाँ से ड्रॉ कर दिए तो ये हो गया fx इज इक्वल टू माइनस 1, 0 है। अब यहाँ पर हम x पे कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, हम एक x1 ले लेते हैं इन जनरल टर्म्स के लिए, x2 ले लेते हैं। तो x1 का भी इमेज 1 है और x2 का भी इमेज क्या हो रहा है, 1 है। तो यानी क्या हुआ, दो एलिमेंट्स सेम इमेज, यानी 1-1 नहीं होगा। और ऑन टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू में हमारा को डोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए, पर यहाँ पर को डोमेन क्या हो रहा है, सारा रियल नंबर्स है और रेंज क्या है, बस 3 नंबर 1, 0 और माइनस 1, तो बाकी कहाँ गया, यानी कि वन टू भी नहीं हुआ। बस इसी को हमको लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन इज, ठीक है, ये हो गया। नाउ फॉर एनी टू पॉइंट्स x1 एंड x2 इन डोमेन fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है, क्या है, अगर हम दोनों x1 x2 का वैल्यू क्या आया है, 1, डज नॉट इम्प्लाई दैट x1 इज इक्वल टू x2। x1 और x2 दो अलग अलग नंबर्स हैं, देयरफॉर f इज नॉट 1-1। अब ऑन टू के लिए जो हम एक्सप्लेन किए उसी को लिखेंगे, रेंज ऑफ f 1, 0, -1, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रियल नंबर्स के बराबर तो नहीं है, इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं जबकि रेंज जो है बस 3 नंबर है, यानी क्या हो गया, इक्वल नहीं हुआ, यानी f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, हमको दिखाना भी वही था, नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू, लिख देंगे एक लाइन, देयरफॉर f इज नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू। इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चेक द इंजेक्टिविटी, सारा टर्म आपके नॉलेज में है, इंजेक्टिव से इंजेक्टिविटी हो गया, बाइजेक्टिव से बाइजेक्टिविटी हो गया एंड सर्जेक्टिव से सर्जेक्टिविटी हो गया, सर्जेक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। फिफ्थ का पार्ट 1 हम लोग ले रहे हैं,
सब पार्ट एक नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है फंक्शन, ठीक है, यही देखना है, ये डोमेन ये कोडोमेन, ठीक है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। लेट एक्स वन एक्स टू दो एन के एलिमेंट्स, एन मतलब नेचुरल नंबर्स का कोई दो एलिमेंट्स ले लिए तो क्या होगा, देन एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, ये इम्प्लाई करेगा इसमें हम लोग रखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स वन का स्क्वायर और ये बन जाएगा एक्स टू का स्क्वायर, यानी क्या हो गया एक्स वन जो है वो हो गया प्लस माइनस एक्स टू, ठीक है, एक्स वन का हम निकालें तो ये हो गया प्लस माइनस एक्स टू, बट एक्स वन इज नॉट इक्वल टू माइनस एक्स टू, माइनस एक्स टू के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको नेचुरल नंबर्स देखना है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, सिंस एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स वन किसके बराबर हुआ, सिर्फ एक्स टू के बराबर हुआ, यानी एक्स वन बराबर एक्स टू हम दिखा दिए, इसका मतलब हो गया कि एफ क्या है वन वन, ठीक है। अब हमको ऑन टू के लिए देखना है फर्दर, आगे हम क्या देखते हैं, रेंज ऑफ एफ, एफ का रेंज क्या है एक्स स्क्वायर, ये रेंज हो गया, इसका रेंज क्या है एक्स स्क्वायर, बस स्क्वायर वाला टर्म, जहाँ एक्स क्या है नेचुरल नंबर, यानी बाकी रेंज में नहीं है, बाकी एलिमेंट्स रेंज में नहीं है, बस स्क्वायर वाला टर्म है, जैसे वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर, बाकी जो बच रहा है वो तो सारा नेचुरल नंबर्स बच ही रहा है, यानी क्या हुआ कि ये तो ऑन टू नहीं हुआ, क्योंकि नेचुरल नंबर के तो ये बराबर नहीं हुआ, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एन, यानी एफ इज नॉट ऑन टू, वन वन हुआ पर ऑन टू नहीं हुआ, देयरफॉर एफ इज वन वन का मतलब इंजेक्टिव, एफ इज वन वन मतलब इंजेक्टिव बट नॉट ऑन टू, क्या नहीं है ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक नहीं हुआ तो बाइजेक्टिव नहीं हुआ, इसको नोट कर लें। आगे दूसरे क्वेश्चन पे आती हूँ, इसका सेकेंड सब पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन वही है, यही चेक करना है हमको, इसका सेकेंड सब पार्ट है एफ क्या है Z to Z है, ठीक है, गिवन बाय वहाँ पर n to n था नेचुरल नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें चेक करना है, इसको भी चेक करते हैं क्या है और क्या नहीं है, इसके लिए भी सेम चीज़ करना है, दो एलिमेंट्स हम लोग ले लेते हैं एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू Z, देन एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, ये इम्प्लाई करेगा एक्स यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, यानी क्या हुआ अगर एक्स वन निकालेंगे तो ये प्लस माइनस रूट निकालेंगे तो एक्स टू हो जाएगा, यानी क्या हुआ दो एक एक्स वन का दो इमेज बन रहा है एक्स टू भी और माइनस एक्स टू भी, जो कि दोनों इसमें आ जाएगा हमारे इंटीजर्स में, हेंस तो इसको लिखना होगा हेंस देयर आर टू पॉइंट्स, ठीक है, एक्स टू
and minus x2 such that fx1 is equal to fx2. Hence, f is not 1 1. ठीक है, f क्या है 1 1 नहीं है. क्यों? क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेजेस नहीं बन रहा है, सेम इमेज बन रहा है. x2 यहाँ पर दो इमेजेस बन रहा है, x1 का, x2 भी और माइनस x2 भी, तो ये नॉट वन वन हो गया. अब रेंज को देखना है ऑन टू के लिए, तो रेंज क्या दिया हुआ है भाई, एक्स स्क्वायर है, मतलब कोई भी नंबर हम n से डिनोट किए तो n स्क्वायर है, जहाँ पे n क्या है z में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन n स्क्वायर अगर हम लेंगे, ठीक है, स्क्वायर कर दें, वो z के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि बस स्क्वायर्स वाला नंबर इसमें है, जबकि इसमें तो पूरा ही पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर भरा हुआ है. यानी क्या हुआ, f इज नॉट ऑन टू, ऑन टू के लिए इक्वल होना था तो ऑन टू नहीं है. यानी क्या हुआ, हम उस टर्म्स में अगर देखें तो f इज नाइदर वन वन, वन वन मतलब इंजेक्टिव, नॉर वन ऑन टू, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव. ठीक है, ना वो इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है. आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन मैं करवाती जा रही हूँ. ठीक है, और इसी तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आता है, बस यहाँ पे सेट चेंज कर देगा, कभी नेचुरल नंबर, कभी इंटीजर्स. ठीक है, थर्ड पे आते हैं, सेम चीज़ है, उसमें भी इंजेक्टिविटी बाइजेक्टिविटी वगैरह देखना है हमको. थर्ड वाला क्या है, f जो है n टू n है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब है. ठीक है, तो हमको नेचुरल नंबर्स का दो एलिमेंट्स लेना है, तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे, लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एन, देयरफॉर एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, अगर इक्वल है तो ये इम्प्लाई करेगा x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब. यानी क्या हुआ, सबको एक साइड ले आते हैं, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो. अब a क्यूब माइनस b क्यूब से तोड़ें तो हमारा क्या हो जा रहा है, ये इम्प्लाई करेगा x1 माइनस x2, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, और क्या होता है a स्क्वायर प्लस ए बी, यानी x1 x2 प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स टू का स्क्वायर. ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है, यानी ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये तो ज़ीरो नहीं होगा, ये तो सारा पॉजिटिव है, तो ये हमको रीज़न में दे देना होगा. क्यों? क्योंकि एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, यानी क्या हो गया, x1 बराबर x2, यही तो 1 1 के लिए दिखाना था हमको. यानी क्या हो गया, f इज 1 1. ठीक है, अब हमको रेंज चेक करना है, रेंज क्या है, अगेन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह, रेंज हमारा क्या दिया हुआ है, n क्यूब. ठीक है, एक्स क्यूब के टर्म में कोई एक एन ले लेते हैं, एन क्या में है, इस सेट में बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर में, विच इज़, अब हम क्या देख रहे हैं, ये जो है एन क्यूब एन के बराबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो मैं सारा नंबर्स होगा, लेकिन रेंज में हमारा कौन कौन आ रहा है, बस क्यूब्स, वन क्यूब, टू क्यूब, थ्री क्यूब, फोर क्यूब,
बाकी जो बच रहा है उस वो तो आ ही नहीं रहा है, तो नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर, यानी क्या हो गया, f इज नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है, यानी क्या हो गया, f इज वन वन, यानी कि इंजेक्टिव, बट नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू मतलब नॉट सर्जेक्टिव, हो गया। इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया, इसको नोट कर ले। फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पे आती हूँ, इसका फोर्थ सब पार्ट, फिफ्थ का नोट कर ले। F is a function from Z to Z given by fx is equal to x cube। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, इसको भी ध्यान से देखें, रिपीट होता है काफ़ी। सेम चीज़ है जैसे पहले किए हैं हम लोग ने, x1 x2 belongs to z, therefore fx1 is equal to fx2, पहले वाले की तरह ही, बस उसमें नेचुरल नंबर्स था, इसमें z ले लिए इंटीजर्स। ये इम्प्लाई करेगा x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब, यानी क्या हो गया, इसको एक साइड ले आए, x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम एक्सपैंड कर देते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला से, x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ये ज़ीरो हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नंबर है, सिंस x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। दे ये इम्प्लाई कर लिया कि x1 इज इक्वल टू x2, x1 और x2 क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी क्या हुआ, x1 बराबर fx2, वो इम्प्लाई कर रहा है x1 इज इक्वल टू x2, यानी हम दिखा दिए कि f क्या है, 1 1। अब हमको रेंज देखना है, अगेन रेंज ऑफ f क्या है, रेंज क्या है, एन क्यू प्लस माइनस दोनों ले लें, z में बिलोंग कर रहा है, वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो ये हम क्या देख रहे हैं, ये तो इक्वल नहीं हो रहा है, Not equal to z। इंटीजर्स में तो बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जबकि रेंज में बस उसका क्यूब्स हमको लेना है, पॉजिटिव वाला क्यूब्स और नेगेटिव वाला क्यूब, यानी क्या हो गया, f on 2 नहीं हुआ, f is not on 2, यानी हम क्या लिख सकते हैं, f is 1 1 but not on 2, ठीक है, यानी दैट इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में अक्सर आते हैं, इसलिए ये सब ध्यान से पढ़ें, किसी न किसी ईयर आया हुआ होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लें अच्छे से या स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 6, लेट f
is a function from n to n, be defined by fn is equal to n plus 1 by 2 if n is odd, and equal to n by 2 if n is even. ये दिया हुआ है conditions. For all n, n क्या में है, n natural number है, या natural number. State whether the function f is bijective. ठीक है, ये हमको देखना है और इसको जस्टिफाई करना है. जस्टिफाई योर आंसर. ठीक है, इसके लिए हमको ऑड और इवन नंबर लेना है. हम दो एक दो ठो ले लेते. कंसिडर 3, 4 नेचुरल नंबर में लेना है. ठीक है, अब हमारा क्या है, दोनों अलग अलग नंबर है. क्लियरली 3 and 4 आर नॉट इक्वल. और f3 हम निकालेंगे, 3 ऑड है तो यानी क्या है, n प्लस 1 बाई 2 यानी 3 प्लस 1 बाई 2. यहाँ से आए, यहाँ यूज़ किए ऑड. ठीक है, इवन के लिए ये लेंगे, f3 आ गया, ये 4 बाई 2 मतलब 2. और f4 निकाल लेंगे, f4 आ जाएगा, n बाई 2 लेना है यानी 4 बाई 2 यानी 2. दोनों इक्वल हो गया. दस हम क्या देख रहे हैं, f3 इज इक्वल टू f4. ठीक है, ऐसा तो, और दोनों का वैल्यूज़ क्या आया है, 2. तो यहाँ दो अलग अलग नंबर्स थे तो ये इमेजेस भी अलग अलग होना था, या 1, 1 के लिए. तो यानी क्या हुआ, ये 1, 1 नहीं है. दस f इज नॉट 1, 1. कोई एक एग्जाम्पल लेके हम दिखा सकते हैं. ठीक है, एज x1 नॉट इक्वल टू x2 शुड इम्प्लाई fx1 नॉट इक्वल टू fx2. और यहाँ पर क्या दिखा दिए, इक्वल. ठीक है, अब हमको ऑन टू के लिए देखते हैं. अब हम f1 लेते हैं, अगेन हम कुछ नंबर्स लेते हैं, सपोज़ 1. तो f1 क्या हो जाएगा, 1 ऑड है तो 1 प्लस 1 बाई 2. ठीक है, यानी 2 बाई 2 यानी 1. f3 ले लेते हैं, ये ऑड है, ये भी 3 प्लस 1 बाई 2 4 बाई 2 2. यानी क्या हुआ, अगर f ऑफ 2n माइनस 1 ले लें तो ये हो जाएगा इसी तरह से 2n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2. ठीक है, यानी 2n बाई 2 यानी n. यानी क्या हुआ, इसी तरह से चलता जाएगा. ठीक है, f1 का 1, f3 का 3, f2n माइनस 1 है तो n. यानी रेंज हम क्या देख रहे हैं, रेंज ऑफ f वो क्या है, सारा नेचुरल नंबर्स आ रहा है. यानी क्या हो गया, f इज ऑन टू. यानी क्या हुआ, f इज, हमको क्या देखना था, बाइजेक्टिव. तो यहाँ पर ऑन टू तो है पर 1, 1 नहीं है, कोई एक नहीं है यानी बाइजेक्टिव नहीं हुआ. यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सिंस f इज नॉट 1, 1 ऑल दो इट इज ऑन टू, देयरफॉर नॉट बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव नहीं. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को मैं डिटेल में समझाई हूँ. अगर कोई आपको डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछेंगे,
मैंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया है। इस तरह से मैं अपने इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को आपके सामने रखी हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल VA ट्यूटोरियल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे न्यू वीडियोज़ से ऑलवेज़ अपडेटेड रहें। ओके, थैंक यू।